सुप्रभात बच्चों, कल मैंने आपको एक पैराग्राफ का अर्थ बता दिया था। अब दूसरे पैराग्राफ की ओर लेकर चलता हूं मैं। अब ये जो झांसी की रानी चैप्टर है, इसमें कवि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने लेखनी में पूरी शक्ति लगाकर इस कविता का संचार किया। हेलो, हाँ बोलो ना। ए लड़की, ए लड़की, बंद करो। तो अगले पंक्ति, अगले स्टेप में है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। अर्थात कानपुर के नाना साहब जो थे, उनकी मुंहबोली बहन थी वह। मुंहबोली मतलब उनसे वह नहीं डरती थी, है ना, और उनसे खूब बात करती थी, जरा भी नहीं डरती थी, तो उसी को मुंहबोली कहते हैं। मुंहबोली का मतलब होता है कि प्यारी, प्यारी मुंह से बोलकर बनाई हुई बात, तो उसी को मुंह बोली कहते हैं। नाना साहब जो थे कानपुर के, उनकी वह मुंह बोली बहन थी, और उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। अपने पिता की बस अकेली संतान थी, और इनका, लक्ष्मीबाई का अपना कोई भाई या बहन नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। उसी मुंहबोली बहन जो थी नाना की, उन्हीं नाना के साथ पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब हुआ करता था, और खेल में उनका एक अजीब खेल था। खेल का मतलब फुटबॉल और क्रिकेट नहीं था, उनका खेल था बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, यही सब लेकर के वो, यही सब चलाना, लेकिन नहीं, यही सब चलाना वो सीखती थी नाना से, समझे कि नहीं। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और इतना ही नहीं, शुरू से ही वह वीरांगना थी, समझे कि नहीं, शुरू से ही वीरांगना थी वह, इसलिए बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से वह खेलती भी थी। और वीर शिवाजी की कहानियाँ, उनकी गाथाएँ खूब सुनती थी, यहाँ तक कि उनकी गाथाएँ उनको ज़बानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी हुआ, तो झांसी वाली रानी थी। और ये इसकी जानकारी मुझे कैसे मिली, तो बुंदेलखंड के हरबोलों हरबोला जाति के लोग ये कहानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये सब कहा करते थे, जिससे हमें जानकारी मिली। अगला है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो वीरता के जो वैभव थी, अर्थात वीरता में दक्ष थी, पूर्णतः संपन्न थी, वीरता में पूर्ण थी, तो पूर्णता, दक्षता, संपन्नता, वैभव को ही कहा गया। हुई वीरता की वैभव, जो वीरता में दक्ष थी, संपन्न थी, और इनकी शादी भी ऐसे ही वीरपति से हुई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। झांसी का राजा वो भी काफ़ी वीर पुरुष था, तो एक वीरांगना की शादी वीर से हुई। झांसी का राजकुमार था, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। जब लक्ष्मीबाई का की शादी झांसी के राजा से हुई, तो अब कानपुर में नहीं रह करके ये कहाँ चली आई, झांसी में चली आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की बिरदावली। सुभट का मतलब क्या होता है, सुभट का मतलब भी होता है वीर, योद्धा, है कि नहीं। और वीर योद्धा और वीरदावली का मतलब होता है गाथा, वीर योद्धा का के गाथा को, उसके यश गान को हम वीरदावली कहेंगे। तो ब्याह करके जब वो झांसी में आई, तो झांसी के राजमहल से लेकर पूरे प्रजाओं में खुशी का संचार फैल गया, चारों ओर खुशियों का वातावरण हो गया। राजमहल में बाजे गाजे बजने लगे, वीर बुंदेलों की यश गाथा वो झांसी जो आई, सो समझो कि इतनी खुशियां झांसी में छा गई कि सुभट बुंदेलों की, ये भी बुंदेल के ही थे, तो सुभट माने वीर, सुभट माने वीर योद्धा, उस रानी की जो बुंदेल की रहने वाली थी, उस वीर रानी की यश गाथा, अपने यश की गाथा को लेकर के
मानो वह झांसी में आई है। बुंदेल की वीर वीरांगना अपनी यश गाथा के साथ झांसी में आई है, तो इसमें ऐसी खुशी हुई जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, अर्जुन को चित्रा पाकर धन्य धन्य हो गई। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाकर अपने आप को धन्य धन्य हो गई, भवानी ने शिव को पाकर अपने आप को धन्य धन्य हो गई, चित्रा ने अर्जुन को पाकर अपने आप को धन्य धन्य हो गई, उसी प्रकार वीरांगना रानी भी वीर पुरुष वीर पति को पाकर धन्य 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 हो गए, और झांसी के राजा भी अपने इस वीरांगना पत्नी को पाकर धन्य धन्य हो गए। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, लेकिन इन दोनों पति पत्नियों के दाम्पत्य जीवन में आए हुए खुशियों के संचार से विधाता भी रुष्ट हो गए। विधाता को इन दोनों का प्रेम शायद नहीं भाया, इसलिए अकस्मात झांसी के राजा की मृत्यु हो गई। अभी एक बच्चे भी पैदा नहीं हुए थे और झांसी के राजा स्वर्गवास हो गए। कितनी बड़ी विपत्ति झांसी की रानी पर पड़ी हुई होगी यह कल्पना करने की बात है। बुझा दीप झांसी का, झांसी का दीप बुझा मतलब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज ने मन ही मन हर्षाया, खुशी मनाया, कहा कि चलो झांसी के राजा तो अब मर गए, उसको एक भी संतान भी नहीं है, झांसी पर आक्रमण करके उसको उस पर कब्जा कर लेंगे। तो डलहौजी मन ही मन खुश हुआ, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, कहा कि यही सबसे अच्छा अवसर है, इसके राज्य को हड़प लेंगे। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। फौरन फौज भेज, तो अब जो है डलहौजी, अभी मान लो कि अभी अभी किसी पत्नी के पति मर गए हों, एक विपत्ति तो उसके ऊपर आ टूटा है, और दूसरा विपत्ति भी आ गया, उसके राज्य पर आक्रमण चढ़ाई हो गई। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, डलहौजी ने अपने फौज को भेजकर और झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, मानो कि यह पूरा हड़प की नीति के हिसाब से ये क्षेत्र मेरा है। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब झांसी तो मानो वीरान हो गया, लावारिस हो गया, जिस झांसी का कोई वारिस ही नहीं है, यह समझकर है ना ब्रिटिश
राज्य जो है झांसी में आया। तब तक तो ये रानी का घाव अभी जिंदा ही था, रात दिन अनवरत अश्रुस्राव होते रहता था उसका। और उस स्थिति में भी रानी ने देखा कि यह झांसी पहले क्या था आज क्या है, झांसी तो वीरान पड़ी हुई है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी है, बंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। छिनी राजधानी देहली को लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिट्ठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जब ही सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अंग्रेज के कुकृत्य देख लीजिए, उसने राजधानी दिल्ली पर भी अपना अधिकार जमा लिया, लखनऊ को बातों बात में ले लिया, बिट्ठुर में बाजीराव पेशवा जी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया, नागपुर पर भी घात लगाए हुआ है। ऐसे बड़े बड़े जगहों पर जब अंग्रेज अपना अधिकार कर लिया तो उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक ये सब का कौन विषाद है, सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी वज्र प्रताप किया था, वज्र निपात किया था, उस पर भी आक्रमण किया, बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बंगाल की मद्रास की हर जगह की अंग्रेजों के अत्याचार आतंक से चारों ओर दहशत फैला हुआ था, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आज की पढ़ाई को मैं यहीं पे स्थगित करना चाहता हूँ। खासकर इस कहानी में इस कविता में लाल रंगों से जो लिखे हुए शब्द हैं उनका अर्थ आपको अवश्य याद कर लेना चाहिए, तभी आप इस कहानी का सही अर्थ समझ पाइएगा, वरना भूल जाइएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप तक मैंने आपको आज पढ़ा दिया। अब सिर्फ 1, 2, 3, 4
लगता है कि कल समाप्त हो जाएगा। तो ये झांसी की रानी कविता जो है ये अंग्रेज के जमाने की कविता है। एक नारी होने के नाते इसमें जो अदम्य साहस झांसी की रानी ने जो अंग्रेजों के साथ दिखाई, अदम्य साहस और अपनी प्रतिभा जो दिखलाई, इसके कारण यह इतिहास के पन्नों में आ गई, इसका नाम अमर हो गया। ऐसे बहुत से बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, ये सब जो थी सो अंग्रेजों के साथ लोहा ली थी, समझे नहीं? ये सब वीरांगना की श्रेणी में इसकी गिनती होती है। तो ठीक है, आज की पढ़ाई को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल पुनः आगे की पढ़ाई होगी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।